2010, 2011, 2018, 2021 किस तरीके से इन्होंने रोमांचित किया है अपने फैंस को, और किस तरीके का फैन बेस इरफान चेन्नई में बना है? कमाल का फैन बेस। वो बोले फास्ट बॉलर ने पकड़ा, खुद तो भूल गया खुद तो भूल गया 2007 जोहान्सबर्ग में जब बॉल ऊपर गया मैं कमेंट्री कर रहा था, मैं बोला श्रीशान सर वो मेरा सबसे वो सबसे बेहतरीन मोमेंट था, क्योंकि कैच तो पकड़ा, वर्ल्ड कप जीता, बट जो जैसे आपके जो कमेंट्री थे ना, इट्स ऑल द वे भाजी, वेल डन। हम पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जो भी क्रिकेट को आपने सर्विस दी है। शुक्रिया, यू बीन अ स्टार, यू विल ऑलवेज बी अ स्टार। थैंक यू, गॉड हैज बीन काइंड भाजी। #AskStar सवाल आ गया इरफान, डू यू थिंक रिंकू सिंह, क्या उनको भारत के लिए खेलने का चांस मिलेगा? मिलेगा तो कब मिलेगा? समीर शेख आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हॉट सीट पर इरफान पठान। देखिए सिलेक्टर क्या देखना चाहते हैं, क्या ये जो बल्लेबाज है अच्छा फील्डर है, गन फील्डर है रिंकू सिंह, क्या इनका फर्स्ट क्लास का औसत कमाल का है? 40 मैचेस में 60 का औसत है, कमाल का औसत। विजय हजारे पिछले साल बहुत अच्छा गया, 100 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, 60 का वहां पे भी उससे ज्यादा का औसत। मुश्ताक अली ट्रॉफी भी कमाल की गई, तो उस लिहाज से मुझे लगता है देखिए एक ही चीज की जरूरत थी रिंकू सिंह को, कि आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करें ताकि सिलेक्टर्स को भरोसा हो जाए कि आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं उनके सामने अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आज किया मैच जिताए केकेआर को, देखिए अगला सवाल यहां पर आने वाले वक्त में जरूर। ये सवाल आ गया इरफान, क्या इरफान साहब आज रिंकू सिंह के सामने गेंदबाजी करना चाहते या फिर हॉट सीट कंफर्टेबल है? हाँ, हाँ, मजेदार सवाल है, दीजिए जवाब। मैं यहाँ पे इतना कंफर्टेबल हूँ आप पूछिए मत, मुझे नहीं खाने छक्के ये देखिए ये शर्ट ट्राउजर आपने बात की, यहाँ बैठ के एसी के अंदर बातें करना ये बहुत बेहतर है। रिंकू सिंह का ये जो फॉर्म चल रहा है इसके सामने मैं ही नहीं बहुत सारे गेंदबाज भी गेंदबाजी करना नहीं चाहेंगे। अच्छा, आपके फैंस ये भी पूछ रहे शर्ट कहाँ से लें, इसे लेना चाहे तो? ये हमारे पर्सनल डिजाइनर है भाई, हमारे बहुत चेन्नई में हमारे दोस्त है, वो बनाते हमारे लिए।